झारखंड में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव आने वाले 10 और 11 सितंबर को होगा। कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मौजूदा कमेटी के महासचिव राहुल मारू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। तीस सितंबर को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मौजूदा कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 10 सितंबर को इस कार्यकाल का आखिरी AGM आयोजित किया जाएगा और उसी दिन दोपहर बाद चुनाव कराया जाएगा। जरूरी हुआ तो चुनाव अगले दिन भी जारी रहेगा। मौजूदा कमेटी के महासचिव राहुल मारू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। आगामी 10 सितंबर को चैंबर का वार्षिक आम सभा इसी भवन में होगा और 2 बजे दोपहर से लेकर 7 बजे शाम तक उस दिन चुनाव भी होगा आवश्यकता अनुसार। अगला दिन 11 तारीख को रविवार के दिन सुबह 9 बजे से शाम में 7 बजे तक चैंबर भवन में ही चुनाव संपन्न होगा। ललित केडिया को चुनाव संचालन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। जैसी परिस्थिति होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। हमेशा की तरह दूसरा गुट भी सामने आया तो फिर बाकायदा बड़े पैमाने पर चुनाव भी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चुनाव होना किसी भी संस्था के लिए अवश्य है। चुनाव होने से संस्था जीवित रहती है और ये तो ऐसी संस्था है जिसके ऊपर पूरी सरकार की नजर रहती है और सारा काम सरकार से ही लेना है। इसलिए अभी ये कहना कदाचित उचित नहीं है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। ये तो जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन होगा उस दिन तक अगर 22 नॉमिनेशन आते हैं तो चुनाव होगा। पिछली बार सर्वसम्मति से फैसला हो गया था कि दूसरा गुट सामने नहीं आया था। इस बार भी ऐसे संभावना जताई जा रही है। संभावना ये है कि दोनों गुट मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। मौजूदा महासचिव राहुल मारू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे तो किशोर मंत्री जो दूसरे गुट के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहते हैं वो महासचिव के तौर पर नॉमिनेशन कर सकते हैं। आज से चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैमरा मैन नवे के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत में शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।